प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद बेटी हेमा यादव भी सीबीआई के रडार पर आ गई है। जी हां, हेमा यादव पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। हृदयानंद चौधरी फिलहाल पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल में कार्यरत थे। उन्होंने लालू यादव की बेटी हेमा यादव को मुंह बोली बहन बताया था। गोपालगंज जिले के उचका गाँव में थाना क्षेत्र के इटावा गाँव में निवासी रेल कर्मचारी हृदयानंद चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी हेमा यादव को भावनात्मक बहन बताकर उन्हें जमीन गिफ्ट की थी। इस मामले में पिछले 6 दिनों से सीबीआई की टीम भोला यादव से पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई की सूत्रों के मुताबिक कई जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव के नाम पर ट्रांसफर करने का आरोप है। भोला यादव पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रित्व काल में ओएसडी रहे हैं। बाकी सीबीआई ने इस मामले में लालू परिवार और उनसे जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के पहलू प्रसाद के 4 पारिवारिक सदस्य समेत 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं बता दी कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों की कीमती जमीन अपने करीबी लोगों के नाम लिखवाने का भी बड़ा आरोप लगाया था। बाकी क्या होगा हेमा यादव का आगे और साथ ही लालू परिवार का, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।